हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी की जो बॉडी है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम इसके गाड़ी के बॉडी के बारे में बताएं कि गाड़ी की जो बॉडी है कितना ताकत है और कितना ये कमज़ोर है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपको तो ये बात पता ही होगा कि मारुति सुजुकी का कोई भी गाड़ी हो, कोई भी, जो कि उसका जो बॉडी होता है काफ़ी कमज़ोर होता है, वो तो आपको पता ही होगा। जैसे कि हम आपको ये बता दें कि मारुति सुजुकी का ऑल्टो है, तो भी एक टाइप प्लस है। तो आपको हमें बता दें कि ये गाड़ी जो है, जो कि ये सब आपको दिख रहा है, ये सब प्लास्टिक ही है, ठीक है, ये सब प्लास्टिक है। जैसे कि दिखने में लग रहा है कि हाँ लोहा है, तो ये प्लास्टिक है। अगर इसमें साइकिल वाला भी अगर ठोका मार दे रहा है तो ये आपका टूट सकता है, टूटना तो अनिवार्य है। अगर बाइक मारे तो समझ लीजिए क्या होगा। इसका अच्छा यही करता है जो कि एक्सेसरीज में हम अलग से लगवाए हुए हैं। और बता दें आपको कि जैसे कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से हम दबा नहीं रहे हैं, देख रहे हैं आप, ज़्यादा ज़ोर से दबाने के बाद आप समझ रहे हैं कि इस गाड़ी का बॉडी का क्या होगा। तो ये जो अल्टो है या मारुति सुजुकी कोई भी गाड़ी हो, जो उसका बड़ी होता है बहुत ही कमज़ोर होता है। और एक कंपनी बताती है कि इसका बॉडी जान से कमज़ोर दिया जाता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति को इस गाड़ी से एक्सीडेंट हो रहा है, तो जिस व्यक्ति को इस गाड़ी से लगा तो लोहा कमज़ोर होने के कारण सिर्फ उसका सर फटता है और लोहा पचक जाता है। और लोहा मजबूती हो तो उस आदमी का जान भी जा सकता है, ये कंपनी बताती है। तो जैसे कंपनी बताई तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो इसका है आप देख सकते हैं काफ़ी कमज़ोर है, ये देख लीजिए। हम ज़्यादा दबा नहीं रहे हैं, देख रहे हैं आप, जो कि काफ़ी कमज़ोर ही है। और जो नया अल्टो का वैगनार निकला है उसको दबाने पर तो और ज़्यादा दबता है, वो तो बहुत कमज़ोर कर दिया है उसका बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि जो अल्टो VXI प्लस है इसका ये स्थिति है। तो आपका ये बात कर ले तो पीछे से थोड़ा तगड़ा है, ये दब नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। तो उसे जो बॉडी है उसे थोड़ा ही तगड़ा दिया गया है। अगर ये तगड़ा नहीं देता तो बहुत बहुत ही बेकार गाड़ी हो जाती, कमज़ोर है, अभी कमज़ोर है, और गाड़ी के बजाय स्थिति में गाड़ी कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, ये चल सकता है, लेकिन जो इधर है आप देख सकते हैं क्योंकि पूरा कमज़ोरी है, देख लीजिए, जैसे कि लग रहा है कि सिलाई का जो खोप होता है बॉडी वैसे ही है। आप देख सकते हैं ये जो दिखाई दे रहा है आपको, मारने से आपको पता चल जाएगा कि लोहा है कि प्लास्टिक है, आपको पता ही है कि प्लास्टिक है, सब लोहा है नहीं। तो देखने में लग रहा है कि हाँ पूरा लोहा ही है, लेकिन ये लोहा है नहीं, ये प्लास्टिक बॉडी है, ये लोहा है। यहाँ से जो दिख रहा है, यहाँ से नीचे तक पूरा प्लास्टिक ही दिया गया है, पूरा प्लास्टिक की बॉडी है सिल्वर कलर में। तो इस गाड़ी में बता दें आपको कि
इंजन तो इसका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो हमको कमज़ोर लगा बस इसका जो बॉडी है वही हमको कमज़ोर लगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका फोर लैंप है, ये भी देख सकते हैं प्लास्टिक का ही है, उसका फोर लैंप अभी मार्केट में आया नहीं है, नहीं तो अभी तक लगवा देते इसका फोर लैंप। और अभी भी लॉकडाउन अभी 19 दिन के लिए और बढ़ गया है, तो आप देख सकते हैं पूरा प्लास्टिक ही है, तो आप देख सकते हैं ऐसा पूरा प्लास्टिक ही। तो आपको हम ये बता दें कि ये जो है आप देख सकते हैं पूरा प्लास्टिक की बॉडी है, पूरा प्लास्टिक बॉडी दिया गया है सब ना, देख लीजिए ये लोहा है, लोहा क्या माने इसको हम टीन बोलते हैं, टीन ही है ये। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे हम आपको फिर बताएंगे, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, चलिए ठीक है।